हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है, कोरोना वायरस का जो प्रभाव पड़ा है रियल एस्टेट पर, तो किस तरह से पड़ा है उसी से संबंधित ये आर्टिकल लिखा गया है। तो इसका संदर्भ में देखेंगे, किस संदर्भ में अभी लिखा है परिचय देख लेंगे, रियल एस्टेट के प्रकार देख लेंगे यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, बाजार का आकार देख लेंगे हम लोग, निवेश और विकास भी देखेंगे, और जो सहकारी सरकार की तरफ से पहल है सरकारी उन पर बात भी करेंगे, और आत्मनिर्भर भारत हेतु रियल एस्टेट किस तरह से महत्वपूर्ण है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। यानी कि लगभग आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रियल एस्टेट, हाल ही में कोरोना के बढ़ते प्रभाव से भवन तथा दफ्तरों की रियल एस्टेट बाजार में बिक्री प्रभावित हुई है। एक बात आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि देखिए, कोरोना वायरस बराबर बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, 10 लाख के करीब, 10 लाख ऊपर चला गया है। अभी हाल करंट की बात करें तो 10 से ऊपर पहुंच गया है, 11 पहुंचने वाला है कुछ टाइम में। तो आप सोचिए कि आपको अपना ख्याल रखना है, अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, और याद रखिए अगर पड़ोसी को हो जाता है किसी को तो उससे नफरत मत करिए। मैं अभी देख रहा था कि अगर किसी नेता को, अभिनेता को हो रहा है तो आप उसके लिए दुआ मांग रहे हैं, और अगर पड़ोसी को हो जा रहा है तो उससे आप नफरत कर रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? तो थोड़ी बहुत इंसानियत रखिए और अपनी सेफ्टी रखिए, अपने परिवार की। सरकार के भरोसे मत बैठिए, सरकार कुछ भी करे, लॉकडाउन खुल गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुंह उठाकर कहीं भी निकल जाएं। एक सेफ्टी रखिए, आप तो डूबेंगे ही साथ में, उस परिवार को भी लोड ले डूबेंगे, इसका कोई कसूर भी नहीं है। तो कम से कम अपने लिए ना सही, उस परिवार के लिए तो अपना ख्याल रखिए। परिचय, रियल एस्टेट से आशय चलत अचल संपत्ति से, जिसमें भूमि भवन सड़क संरचना शामिल है। संपत्ति के अधिकार भूमि तथा भूमि पर प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज, पौधे, जानवर, पानी, मानवीय संसाधनों यथा भवन आदि का स्वामित्व प्रदान करते हैं। वर्तमान कोरोना वायरस के प्रसारित होने के फलस्वरूप अचल संपत्ति विशेषता भवन बिक्री प्रभावित हुई है। वर्ष 2020 की पहली छमाही में भवनों की मांग पिछले 10 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। प्राइवेट कंपनियां अपने व्यय को कम करने के उद्देश्य से दफ्तरों को खाली कर रही हैं, परंतु इस बढ़ी हुई आपूर्ति की खपत हेतु मांग अत्यंत कम है, जो रियल एस्टेट को मंदी की तरफ ले जा रही है। आप अभी कोचिंगों का भी हाल यही देख रहे हैं, इंदौर, भोपाल, इलाहाबाद या फिर दिल्ली, कहीं भी जाइए आप लोग तो जो कोचिंग वाले होते हैं वो भी धरना प्रदर्शन करने लगे हैं कि उनका भी कुछ किराया माफ किया जाए, और कई कोचिंगें तो मैंने देखा है कि खाली भी करके चले गए हैं लोग, समझ रहे हैं? तो ये हाल है आपके। रियल एस्टेट के अगर प्रकारों की बात करें हम, तो अचल संपत्ति के कई प्रकार हैं। इसकी मुख्य श्रेणियां हैं भूमि। भूमि सभी प्रकार की वास्तविक संपत्ति के लिए आधार रेखा है। भूमि आमतौर पर अविकसित संपत्ति और खाली भूमि को संदर्भित करती है। डेवलपर्स भूमि का अधिग्रहण करते हैं यानी कि खरीदते हैं और इसे अन्य संपत्तियों के साथ जोड़ते हैं, वैसे फिर से बनाते हैं, और ताकि विघनत्व में वृद्धि कर सकें और संपत्ति का मूल बढ़ा सकें। आवासीय, आवासीय अचल संपत्ति में व्यक्तियों, परिवारों या फिर लोगों के समूह के लिए आवास शामिल होते हैं, यानी कि घर रहने के लिए। यह संपत्ति का सबसे सामान्य प्रकार है। आवासीय के भीतर एकल परिवार के घर, अपार्टमेंट, कॉन्डोमिनियम, टाउन हाउस और अन्य प्रकार की रहने की व्यवस्था भी शामिल है। वाणिज्यिक, वाणिज्यिक संपत्ति से तात्पर्य उन भूमि और भवनों से है जिनका उपयोग व्यवसाय द्वारा अपने कार्यों को करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए शॉपिंग मॉल ले लीजिए, व्यक्तिगत स्टोर, कार्यालय भवन, पार्किंग स्थल, चिकित्सा केंद्र और होटल। आप समझ सकिए कि किसी किसी का 15-20-20 लाख रुपए है, छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ, महीने का किराया। तो आप सोचिए, 3-4 महीने से पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, कहाँ से देगा जब उसकी बिक्री हो ही नहीं रही है, आय कहीं से होना, तो उसके पास ऑप्शन बचता है कि खाली ही कर दें। बहुत तगड़ा घाटा लग रहा है। उद्योगों की अगर बात करें, औद्योगिक क्षेत्र की, तो औद्योगिक अचल संपत्ति भूमि और इमारतों को संदर्भित करती है, जो औद्योगिक व्यवसायों द्वारा कारखानों, यांत्रिक परिस्थितियों, अनुसंधान और विकास, निर्माण, परिवहन, रसद, वेयर हाउसिंग जैसी गतिविधियों के लिए उपयोग की जाती है।
अगर यानी कि बाजार की हम लोग बात करें, बाजार के आकार की, तो 2040 तक रियल एस्टेट बाजार 2019 से 19 में 12,000 करोड़ रुपए US डॉलर यानी कि 1.72 बिलियन US डॉलर से बढ़कर 65,000 करोड़ रुपए यानी कि ये आपका 9.30 बिलियन US डॉलर हो जाएगा। यानी कि आपका कहिए कि 2019 में 12,000 करोड़ है और ये 2040 में बढ़कर कितना 65,000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा। भारत में रियल एस्टेट सेक्टर 2030 तक US डॉलर 1 ट्रिलियन, कितना 1 ट्रिलियन के बाजार के आकार तक पहुंचने की उम्मीद है। खुदरा आतिथ्य और वाणिज्यिक अचल संपत्ति भी काफी बढ़ रही है, जिससे भारत की बढ़ती जरूरतों के लिए बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध हो रहा है। ऑफिस स्पेस ज्यादातर ITES, IT, BFSI, कंसल्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ग्रोथ से प्रेरित हैं। 2019 के दौरान ऑफिस लीजिंग स्पेस 8 प्रमुख शहरों में 60.6 MSF पर पहुंच गया था, जिसमें 27% की वृद्धि दर्ज की गई। और 2019 में वाणिज्यिक पट्टे पर देने की गतिविधि के साथ कार्यालय क्षेत्र की मांग 69.4 MSF तक पहुंच गई, परंतु कोरोना प्रभाव ने इस गति को फिलहाल रोक दिया। वेयर हाउसिंग स्पेस 2020 में 247 MSF तक पहुंचने और 2018 में 18-20 के दौरान 50,000 करोड़ रुपए यानी कि आप कह सकते हैं 7.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश की संभावना है। ग्रेड ए कार्यालय 2020 सॉरी 2022 तक 700 MSF को पार करने की उम्मीद है। दिल्ली NCR ने इस मांग को सबसे अधिक योगदान दिया है। 7 प्रमुख शहरों में 2019 में आवास की बिक्री 2.61 यानी कि 2.61 लाख यूनिट तक पहुंच गई है। निवेश और विकास की अगर हम बात करें इस क्षेत्र में, तो भारत रियल एस्टेट में क्षेत्र ने हाल के दिनों में कार्यालय और आवासीय क्षेत्रों की मांगों में वृद्धि के साथ उच्च वृद्धि देखी गई है। 2019 में रियल एस्टेट में निवेश में लगभग आपका 44,000 करोड़ रुपए आकर्षित हुए। खुदरा क्षेत्र ने पी निजी इक्विटी को 2019 में लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2019 में सेज से निर्यात 7.01 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया और वित्त वर्ष 2020 की प्रथम छमाही में 14.5% बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपए यानी कि कह सकते हैं आप लोग 54.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड पॉलिसी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार FDI प्रवाह के मामलों में निर्माण चौथा सबसे बड़ा क्षेत्र रहा है। निर्माण क्षेत्र अप्रैल 2000 से अब मार्च 2020 तक क्षेत्र में FDI निर्माण विकास और निर्माण गतिविधियां शामिल है इसमें 42.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। मार्च 2020 में सरकार ने हरियाणा उत्तर प्रदेश में IT क्षेत्र के लिए SEZ स्थापित करने के लिए TCS और DLF की प्रस्तावों को एक कंपनी आए को मंजूरी दी है। एक रियल्टी फार्म पूर्व बंकारा LD बेंगलोर चेन्नई और मुंबई में 3 अल्ट्रा लग्जरी आवासीय परियोजनाओं को विकसित करने के लिए अगले 4 वर्षों में लगभग ये 800 कितना 800 करोड़ रुपए का निवेश की योजना बना रही है। सितंबर 2018 में दूतावास कार्यालय पार्कों ने घोषणा की कि यह भारत की पहली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट शेयर बाजारों में लिस्टेड कर धन संग्रह किया जाएगा। शेयर बाजार में लिस्टेड होकर अगर हम लोग सरकारी पहलों की बात करें इस क्षेत्र में, तो संबंधित राज्यों की राज्य सरकारों के साथ भारत सरकार ने इस क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहलें भी की हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इसमें आपके 100 स्मार्ट शहरों के निर्माण की योजना के साथ रियल एस्टेट कंपनियों के लिए एक प्रमुख अवसर है। देश के शीर्ष शहरों में लगभग 1600 रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25,000 करोड़ रुपए के वैकल्पिक निवेश कोष की स्थापना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आपके 1.20 करोड़ नौकरियों का सृजन करने ते हुए शहरी क्षेत्रों में 1.12 करोड़ घरों की मंजूरी दी है बनाने की।
सरकार ने राष्ट्रीय आवास बैंक में अफोर्डेबल हाउसिंग फंड बनाया जिसमें HFC के सूक्ष्म वित्त पोषण के लिए बैंकों वित्तीय संस्थानों की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कम करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। 29 फरवरी 2020 को भारत ने औपचारिक रूप से 417 विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ को मंजूरी दी है जिनमें से 238 पहले से ही आपके परिचालन में है। अधिकांशता SEZ IT/ITES क्षेत्र में है। अगर हम लोग आत्मनिर्भर भारत हेतु रियल एस्टेट की बात करें कि इसके किस तरह से संबंधित है तो मिडिल इनकम ग्रुप के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम वार्षिक आय 6 लाख से 18 लाख रुपए को मार्च 2021 तक 1 साल तक बढ़ाया जाएगा। सरकार ने अनुमान लगाया है कि इससे आवास क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। COVID-19 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके नियामक प्राधिकरण द्वारा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा के तहत कहित फोर्स मेजोर की घटना के रूप में माना जाएगा। व्यक्तिगत अनुपयोगों के बिना 25 मार्च 2020 को या उसके बाद समाप्त होने वाली सभी पंजीकृत परियोजनाओं में के पंजीकरण और पूर्ण होने की तारीख पर 6 महीने का विस्तार दिया जाएगा जिसे नियामक प्राधिकरण के विवेक पर 3 और महीने तक बढ़ाया जा सकता है। नकदी प्रवाह को आसान बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा आंशिक बैंक गारंटी भी दी जाएगी। आपने भी अगर कहीं से कर्ज लिया हुआ है तो आपको भी अभी छूट मिली हुई है किस्त ना भरने की, ठीक है। आगे की अगर राह की बात करें तो भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी कि SEBI ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट प्लेटफॉर्म के लिए अपनी मंजूरी दी है जो सभी प्रकार के निवेशकों और भारतीय अचल संपत्ति बाजार में निवेश करने की अनुमति देता है। यह आने वाले वर्षों में भारतीय बाजार में 1.25 ट्रिलियन का अवसर पैदा करेगा। तेजी से सुविचारित उपभोक्ता आधार और वैश्वीकरण के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स से ताजा चुनौतियों को स्वीकार कर लिया। रियल एस्टेट डेवलपर्स शहरों में कई परियोजनाओं के प्रबंधन की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में स्रोत सामग्री के लिए केंद्रीकृत प्रक्रियाओं में भी निवेश कर रहे हैं और परियोजना प्रबंधन वास्तुकला और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में मानव शक्ति को संगठित करने और योग्य पेशेवरों को नियुक्त कर रहे हैं। निश्चित ही कोरोना के प्रभाव से इन संभावनाओं को धूमिल कर दिया परंतु कोरोनातर विश्व में रियल एस्टेट क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। एक बात आप लोग याद रखिए कि अभी अर्थव्यवस्था कोई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कोई कोरोना वायरस से छोटी नहीं हुई है। अमेरिका को देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और फिर चाहे अर्थव्यवस्था का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो सभी इससे प्रभावित हुए हुए हैं, समझ रहे हैं आप लोग, बहुत बुरी तरह से। तो ये आपके रियल एस्टेट की कहानी है।